तो सरकार कटघरे में है, सरकार के खिलाफ सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं। आदर नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, अब कुर्सी छोड़े विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने का काम पूरा विपक्ष करेगा और मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाया जाएगा, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जिस तरह से हत्या बिहार में हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, प्रश्न पत्र लीक का मामला है, पुल गिरने का मामला है। बिहार में यूं तो मानसून सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन जिस तरह से अपराध की घटनाएं बिहार में बढ़ी है और खासकर जो हाई प्रोफाइल मर्डर हुए हैं उसको लेकर सियासत गर्म है। साफ तौर पे सन ऑफ पल्ला मुकेश सहनी के पिता की हत्या पूरे बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश में यह चर्चा का विषय है कि आखिर बिहार में सुशासन की सरकार है तो कैसे है। हालांकि NDA सरकार लगातार ये दावा कर रही है कि कानून का राज है, यहाँ पर जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हैं वो पूरी तरीके से ठीक है। बावजूद इसके अगर हत्या हुई है तो जल्द से जल्द जो इस हत्या के पीछे जो साजिश है, जो लोग हैं, वो जल्द ही सलाखों के पीछे होंगे। इस सवाल पर RJD के प्रवक्ता ने तंज कसते हुए साफ तौर पे कहा है कि बिहार में कोई भी सुशासन नाम की कोई चीज़ नहीं है। क्या कुछ कह रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, आइए हम आपको सुनाते हैं। विधानसभा में सत्ता पक्ष को घेरने का काम पूरा विपक्ष करेगा और मजबूती के साथ सरकार को आईना दिखाया जाएगा, सरकार से सवाल पूछा जाएगा। जिस तरह से हत्या बिहार में हो रही है, लॉ एंड ऑर्डर का सवाल है, प्रश्न पत्र लीक का मामला है, पुल गिरने का मामला है, नियुक्ति नहीं मिल रहा है लोगों को, 3 लाख प्रक्रियाधीन तेजस्वी यादव जी करके आए थे, तो सरकार कटघरे में है, सरकार के खिलाफ सत्ताधारी दल के विधायक भी हैं और विधानसभा में सरकार को जवाब देना पड़ेगा। सरकार बुलेटिन जारी कर रहे थे, ये क्राइम से अपराधियों के तांडव से बिहार करा रहा है, अब जनता चुप नहीं बैठेगी। आदर नीतीश कुमार जी से बिहार नहीं संभल रहा है, अब कुर्सी छोड़े बिहार की जनता पूरी तरह से भयभीत है, कब कौन किसे कहां हत्या कर दे कोई नहीं जानता। तो देखा आपने, मृत्युंजय तिवारी साफ तौर पे ये कह रहे हैं कि बिहार में लोकतंत्र खतरे में है, संविधान खतरे में है और जिस सुशासन का दावा सरकार कर रही है वो सुशासन पूरी तरीके से बेपटरी है, फेल है। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए NBC 24 के साथ।